नूरपुर की पंचायत कुलाहन के वार्ड नंबर 2 में रहने वाली आशा वर्कर्स ललिता रानी स्लेटनुमा टूटे हुए घर में रहने को मजबूर है। आलम ये है कि ललिता का घर कभी भी गिर सकता है और कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। यहाँ तक कि ललिता के घर शौचालय तक नहीं है। ललिता अपने बीमार पति तरसेम लाल, जो कि अस्थमा के मरीज है, व 6 वर्ष की बेटी आशी के साथ इस स्लेटनुमा टूटे हुए घर में रहने को मजबूर है। ललिता अपने परिवार के साथ हर समय डर के साए में रह रही है। कोरोना महामारी के दौरान ललिता ने घर घर जाकर कोरोना मरीजों को समय समय पर दवाई पहुंचाई, पर आज ललिता खुद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित ललिता देवी ने कहा कि 16 अगस्त 2020 को हमारा स्लेटनुमा घर गिरा तो हमने पंचायत प्रधान को बताया। प्रधान यहां देखने आए तो उन्होंने कहा कि आपके मकान की हालत तो बहुत खराब है और कहा कि हम इसे बहुत जल्द ठीक करवा देंगे और आपके पास विभाग से लोग देखने आएंगे, मगर 1 सप्ताह तक कोई भी नहीं आया। हमने प्रधान से दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने आगे बता दिया है, बस आ जाएंगे। पर जब 1 महीने तक कोई नहीं आया तो हमने अपने पति को कहा कि आप पटवारी से पता करो कि क्या हुआ है। जब वह पटवारी से मिले तो पटवारी ने कहा कि हमें आपके बारे में प्रधान ने कुछ नहीं बताया है। 2000 मतलब बी में हमारा मकान 16 अगस्त को देगा। फिर हमने प्रधान जी को फोन किया सुबह, फिर प्रधान जी आए और बोले कि मकान की हालत तो बहुत ख़राब है। फिर 15 दिन के बाद वो फिर हमने उनको फ़ोन किया कि सर हमारा कुछ बनाया जाए, नहीं बना है, बरसात का मौसम था। फिर उन बोलते आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आ जाएंगे, मैंने गलबात कर ली, आ जाएंगे। फिर हम ऐसे देखते रहे कि 1 महीना हो गया। फिर हमने फिर फ़ोन किया उनको, बोलते मतलब आए नहीं बोटी महकमे वाले तो आ जाएंगे। हमने बेड़ी भी में बोल दिया, ऐसे बोल दिया। फिर हमने फिर मैंने अपने घर वाले को बोला कि आप जाओ उधर पटवारी के पास, उनको बोलो कि हमें थोड़ा बहुत क्लेम मिलता है तो फिर मतलब करते हैं कुछ। फिर गए वो तो बोलते प्रधान ने तो हमें बोला नहीं कुछ भी, मतलब कि बोला नहीं कुछ भी हमें। तो फिर प्रधान जी ने बोला नहीं कुछ भी, तो फिर हमने बोला, फिर हम पटवारी बोला आपने प्रधान ने बोला नहीं कुछ भी तो हम क्या करें भी। फिर हमने ऐसे देखते रहे, फिर प्रधान को पूछा, बोलते मैंने तो दे दिया है। फिर हम वीडियो के पास गए, उनको बोला कि हमारा मतलब मकान देखो, फोटो देखो। फिर उन्होंने बोला कि हमने फोटो क्या देखनी है, आप मतलब पंचायत में जाओ तो रेगुलेशन पाओ, तब आपका मकान देखेंगे ऐसे में। फिर हम देखते ऐसे देखते रहे, 1-2 महीने फिर गए इधर मतलब पंचायत अपनी कुलान में, तो उन्होंने फिर नहीं कुछ भी किया। 5-6 महीने हो गए इस मकान को दे मतलब बनी हुई नहीं पंचायत को, और वो भी ऐसे करें कि आ जाएंगे कब तक आ जाएंगे, 1 साल तो हो गया है। तो हम रंजीत सिंह बख्शी हेल्पलाइन की तरफ से सेवा करने कुलाहन में आए थे तो आशा वर्कर्स ललिता देवी ने हमारी राशन वितरण में मदद की। जब हम ललिता के घर आए तो यह देखा कि इनके घर की बेहद ही दयनीय स्थिति है। इनका ना तो स्वच्छ अभियान के तहत कोई शौचालय बनाया गया है और ना ही ललिता का घर प्रधानमंत्री आवास योजना में डाला गया है, जबकि पिछली बरसात में इनके 2 कमरों में से 1 की दीवार गिर गई थी। इन्होंने अपनी तरफ से पंचायत प्रतिनिधियों को कहा है, पर अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जी, जब हम लोग रंजीत बख्शी कोविड केयर हेल्पलाइन रन कर रहे थे तो हम कुलान और भुगनाड़ा में आए थे यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उस समय यहाँ की जो आशा वर्कर हैं ललिता जी, जो कि मेरे साथ बैठी हैं, ये हमारे साथ चली थी और घर घर जाके इन्होंने हमारी मदद की थी राशन दिलवाने में। जब वहां से फ्री होकर हम लोग इनके घर आए तो मैं इनके घर की हालत देखकर स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। इनके घर में ना तो कोई शौचालय है, इनका घर जो है वो पूरा का पूरा टूटने की अवस्था में है और इनके 2 कमरों में से 1 की दीवार इस समय पिछली बरसात में गिर चुकी है। अभी तक इनको जो आपका सैनिटाइजेशन कैंपेन है, जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसके अंडर इनको कोई ग्रांट नहीं आई है शौचालय बनवाने की, ना ही इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर किसी भी तरह की ग्रांट आई है इनका घर बनवाने के लिए। इन्होंने हर तरह की अथॉरिटी को अप्रोच किया है, इन्होंने ग्राम पंचायत के सदस्यों को बोला है, इन्होंने BDO ऑफिस में जाकर भी बोला है, लेकिन अभी तक इनकी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की गई। और जैसा कि आपने इनके घर को देखा, ये घर इस तरह का है कि यहाँ पे अगर 1 या 2 बरसात अगर ज्यादा हुई तो ये घर किसी भी समय ढह जाएगा।
उसके बाद जो आप मुआवजा लेकर आएंगे उससे बेहतर है कि आप इस समय आकर इनकी मदद कीजिए। इनको इस टाइम इमरजेंसी असिस्टेंस की जरूरत है, इनको एसडीएम साहब के थ्रू फौरी सहायता की जरूरत है, या फिर इनको जरूरत है कि ये लोग जो पंचायत के सदस्य हैं वो इनके लिए पूरी की पूरी कोशिश करें और इनको प्रायोरिटाइज करके इनके घर के लिए सबसे पहले ग्रांट दिलवाएं। देखिए, पिछले 2 महीनों में आशा वर्कर्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इनको कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके घर में भेजा गया है। इनका मानदेय बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, इनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की गई, सिर्फ एक टोकन सम्मानित कर दिया गया कहीं ना कहीं बुलाकर। अगर हम सच में इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें ये करने की जरूरत है, इनके घर बनवाने की जरूरत है, इनकी जिस भी प्रकार की सेवा कर सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं वो करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोविड की थर्ड वेव आती है तो उसके लिए भी बचाने के लिए यही लोग सक्षम है। इसी यज्ञ में एक आहुति डालने के लिए हमारी जो संस्था है रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा, उसकी ओर से आज हम लोग इन्हें 1000 ईंटें दे रहे हैं ताकि जब भी इनके घर का काम लगे उसकी नींव जो है वो हमारी संस्था की ईंटों द्वारा लगाई जाए। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनका घर बनाने में इनकी सहायता करें और इस इशू को जितना उठा सकते हैं उठाएं। धन्यवाद। खंड विकास अधिकारी डॉक्टर रोहित शर्मा को मीडिया से इस सारे मामले की जानकारी मिली तो रोहित शर्मा ने तुरंत संज्ञान लिया और पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव से इस मुद्दे पर बात की और ललिता के घर व शौचालय के लिए कहा। देखिए, जैसा कि आपके थ्रू ही मुझे इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम मिली है तो इसके लिए मैंने सारी सूचनाएं एकत्रित करी और जो फील्ड स्टाफ है हमारा उनसे भी इन्फॉर्मेशन मंगाई। तो जो आप जिनका घर कह रहे हैं ललिता जी, वो हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित परिवार है। आवास प्लस पे उनकी सारी जानकारी जैसे जियो टैगिंग, घर की फोटो, जॉब कार्ड के अपडेशन, ये सब काम हुआ रखा है। तो जैसे ही भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में घरों के लिए स्वीकृति आती है तो प्राथमिकता और प्रमुखता के आधार पर इनको घर के लिए जो अनुदान राशि है वो हम दे देंगे, प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी और जो दूसरी और अन्य योजनाएं हैं उनका भी ये लाभ परिवार दे सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी इस टाइम पे आर्थिक और स्थिति है सामाजिक, तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि वो अन्य स्कीम्स का भी लाभ लें और आवास योजना का जैसे शीघ्र शीघ्र इनका कार्य करवा दिया जाए। इनके घर शौचालय तक भी नहीं है, शौचालय के लिए ये पंचायत में एप्लीकेशन दे सकते हैं। वर्तमान में हम समग्र योजना के अंतर्गत निजी शौचालयों के निर्माण के लिए अनुदान दे रहे हैं, साथ ही साथ पंचायत में भी जाकर ये बात करेंगे तो इसकी जो निर्धारित जो डॉक्यूमेंट हैं, जो दस्तावेज लगेंगे उसको लेकर फाइल तैयार करवा के जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ से इनको सैंक्शन मिल जाएगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।